स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज है 3 जनवरी और हम आश्रम में ही रुके थे। आश्रम नहीं, मठ बोलते हैं, और कुछ इस तरह से यहाँ पे मठ था जहाँ पे हम रुके थे। और रात में बारिश हुई थी काफ़ी ज़्यादा, देखिए ऊपर पूरा पानी आ गया है। अभी इसको सुखाने में भी दिक्कत होगा, थोड़ा अंदर पानी नहीं गया लेकिन बाहर पूरा पानी पानी हो गया, बारिश बहुत ज़्यादा हुआ था रात में। तो किसी तरह चलिए इसको फोल्ड करते हैं, फिर रास्ते में कहीं सुखाएंगे, और फोल्ड करने के बाद फिर फटाफट यहाँ से निकलते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे मठ था श्री कृष्ण जी का, तो कृष्ण जी का आशीर्वाद लेके फिर यहाँ से निकलते हैं। और कल दिन बहुत अच्छा था कि बाबा जी के यहाँ आ गए हम, तो बढ़िया लगा। तो चलिए फटाफट इसको फोल्ड करते हैं, उसके बाद सीधा आपसे रोड पर मिलते हैं। अभी हम मठ से लगभग 10 किलोमीटर आगे आए थे कि यहाँ पे भोले बाबा, पार्वती माता और गणेश जी का काफ़ी सुंदर यहाँ पे मूर्ति बना था। तो एक बार उस तरफ से जा रहे थे लेकिन इस तरफ आ गए दर्शन करने के लिए। तो आप सब भी दर्शन कर लीजिए, काफ़ी खूबसूरत बना है मूर्ति बाबा जी का। तो बाबा जी से आशीर्वाद लेके फिर यहाँ से निकल रहे हैं। वहाँ का एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत ही ख़राब था मठ का, तो फिर बाबा जी को देख लिए तो मेरा माइंड फ्रेश हो गया फिर से। अब यहाँ से सीधा निकलते हैं, हमको हाईवे 2 से जाना है इच्छापुरम, और इच्छापुर यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर है। तो चलिए, बाबा जी का दर्शन हो गया, आपको भी करा दिए, अब सीधा निकलते हैं इच्छापुर की तरफ। आप सभी का स्वागत है आंध्र प्रदेश में, और हम उड़ीसा को बाय बाय बोल दिए। और ये जस्ट मेरे पीछे ये चेक पॉइंट है यहाँ पे, और मैं चेक पॉइंट क्रॉस करके आगे खड़ा हूँ। अब मैं आंध्र प्रदेश में हूँ, तो आपका आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है आंध्र प्रदेश में। चलिए देखते हैं आंध्र प्रदेश के लोग कैसे हैं, यहाँ का कल्चर क्या है, और खान पीन देखते हैं कितना चेंज है उड़ीसा से। फिर चलिए चलते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं आंध्र प्रदेश का सफ़र। आंध्र प्रदेश स्टेट का पहला टोल टैक्स मिला है, अब टोल टैक्स क्रॉस करके चलते हैं। पता ही आपको कि साइकिल फ्री है, बाइक भी फ्री है, तो चलिए चलते हैं। कुछ इस तरह से यहाँ पर टोल टैक्स था। रुक गए हैं खाना खाने के लिए, और टाइम हो रहा है 12 बज रहा है। और एक ये यूपी और बिहार का यूपी बिहार करके एक होटल था, और भाई जो है बिहार से ही हैं, तो यहीं पे रुक गए कुछ खाना खाने के लिए। थोड़ा सा मोबाइल वोबाइल चार्ज लगाना था, तो जैसे ही आए वैसे ही लाइट कट गई है। फिर थोड़ा वेट करेंगे खाना खाने के बाद, लाइट आती है तो फिर कुछ चार्ज वार्ज करके तभी यहाँ से निकलेंगे। तो साइकिल वहाँ पर खड़ी है, और कुछ इस तरह से इनका रेस्टोरेंट है, वहाँ से खाना ला रहे हैं। तो फिर खाना लाते हैं तो फटाफट खा के फिर कुछ इस तरह पे यहाँ पे खाना आया है। पूरा थाली रोटी देखने को मिला है आंध्रा में, और उड़ीसा में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। रोटी का दिन में तो रोटी मिलता ही नहीं था, यहाँ पे कम से कम रोटी देखने को मिला। तो खाना खाते हैं फिर आराम करके तब यहाँ से निकलेंगे। खाना वाना खा चुके हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम तक यहाँ पर रुके हैं, और यहाँ से सीधा निकलेंगे श्रीकुलम साइड। यहाँ श्रीकुलम लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है, तो चलिए चलते हैं रोड पर हाईवे पर। अपना कैब रास्ते में कहीं खो गया था बहुत पहले ही, और बिना कैब का बहुत दिक्कत हो रहा था। तो ये भैया का शॉप है, रोड पे ही कैब बेच रहे हैं, तो यही वाला पसंद किया है तो ठीक लग रहा है। तो कितने के देंगे भैया? 100 का देंगे? 100 नहीं, 120। अरे कर दीजिए, हो जाएगा 120 दे दे। तो देखते हैं कितना तक होता है, तो फिर यही ले लेते हैं। 3:30 बज चुका है, यहाँ पे जो ढाबा वाबा है बहुत दूर दूर है, पेट्रोल पम्प आगे है शायद, तो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए अब हम आज पहले ही पूछना स्टार्ट कर देंगे, हो सकता है रुकने ना दे। अभी तक तो लैंग्वेज का कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, इधर हिंदी ज़्यादा नहीं बोलते सब, और इंग्लिश का भी अभी लोकल है तो सब इंग्लिश नहीं जान रहे हैं, तो थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है इधर। देखते हैं, मैनेज तो करना है किसी न किसी तरीके से। आगे शायद लोकेशन देखिए, इस तरह से लोकेशन है। आज मौसम थोड़ा ख़राब था स्टार्टिंग से ही, सुबह से ही, और सुबह में वहाँ पे बारिश हुआ था जहाँ हम रुके थे, जैसा आपने देखा ही था। तो आज सुबह से ही मौसम बहुत ख़राब है। अभी टाइम है और अभी आधा किलोमीटर के आगे ही पेट्रोल पंप है, वहाँ बात करते हैं। अगर रुकने का परमिशन दे दिया तो रुकेंगे, नहीं तो फिर आगे निकल जाएंगे, फिर देखते हैं।
उड़ीसा से ज्यादा इधर नारियल का पेड़ दिख रहा है हमको हर तरफ, लेकिन यहाँ कभी जैसे उड़ीसा में लोग रोड के किनारे बेच रहे थे वैसे यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा है। बाकी लैंग्वेज एकदम टोटल चेंज हो गया है, और सबसे पहले चेंज होता है वो बॉर्डर क्रॉस करते ही गाड़ी का नंबर प्लेट वो चेंज हो जाएगा, वो पता चल जाएगा कि आप दूसरे स्टेट में आ गए हैं, टोटली चेंज रहेगा। तो आंध्रा का स्टार्टिंग है, मेरा फर्स्ट डे है आंध्र प्रदेश में, देखते हैं कैसा प्रदेश है। अभी तो स्टार्टिंग बहुत अच्छा नहीं लगा हमको, पता नहीं क्यों, उड़ीसा को छोड़ के आए तो थोड़ा वहाँ मन लग गया था, ये हो सकता है अच्छा ना लगा हो अभी थोड़ा बहुत। फिर चलिए देखते हैं क्या लोगों का ओपिनियन है अपना। फाइनली रुकने का जगह मिल गया, अभी बज रहा है 6 और हम यहाँ 5 बजे आ गए थे, और पंजाबी होटल है, भैया उड़ीसा के ही हैं, अभी जब जाने लगेंगे तो हम उनसे बात कराएंगे, और अभी हमको यहीं पर रुकना है, आज यहीं पर रुकेंगे और इस तरह से कुछ खाना ऑर्डर किए हैं तो खाना वाना खाते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। अभी देखिए इधर टेंट अपना लग चुका है, यहाँ टेंट लग के कंप्लीट हो गया है, और हमारे भाई लोग मिले हैं बिहार से और यहीं पे रहते हैं। भाई आपका क्या नाम है? नीरज कुमार। आपका? गुलाब कुमार। गुलाब कुमार। आपका? अनुज कुमार। ये छोटू है। तो भाई लोगों से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है हमको, तो अभी भाई लोग से बात करते हैं, बात करने के बाद फिर आपसे मिलते हैं, तब वीडियो एंड करेंगे। जा रहे हैं सोने, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।